मध्य प्रदेश में चुनावों का ऐलान हो चुका है, तारीखें आ चुकी हैं, रणवेदी बच चुकी है। ग्वालियर चंबल की जनता जिस करवट बैठेगी, भोपाल का सरताज उसी को बनाया जाएगा। आज हम बात करेंगे शिवपुरी विधानसभा की। शिवपुरी विधानसभा यूं तो राजघराने की रीति नीति के अनुसार राजघराने की सीट कही जाती है, लेकिन इस बार शिवपुरी विधानसभा में कहीं ना कहीं नया रोचक परिणाम निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि यहाँ की महारानी यशोधराय सिंधिया ने अपने आप को चुनाव से दूरी बना ली है। उन्होंने अभी अपनी तबीयत का हवाला देते हुए चुनाव से लगभग 6 से 8 महीने का बेड रेस्ट की कहके दूरियां बना ली हैं और शिवपुरी को अभी हाल फिलहाल के लिए गुड बाय शिवपुरी कह दिया है। लेकिन जब से गुड बाय शिवपुरी की झलक सामने आई है, तब से कई नवीन प्रत्याशी सामने आ चुके हैं भाजपा से। नहीं तो उससे पहले भाजपा से एक में वो प्रत्याशी हुआ करते थे, जिसमें जिलाध्यक्ष राजू बाथम का नाम भी चल रहा है, पार्टी के पूर्व विधायक देवेंद्र जैन का नाम भी चल रहा है, कई युवा प्रत्याशियों के नाम भी सामने आ रहे हैं। लेकिन एक नया चेहरा जिसकी चमक उस हीरे की तरीके से है, तो अंधेरे में रोशनी की तरीके से उभर कर सामने आ रहा है। समाज में ऐसे बेहद ही कम जनप्रतिनिधि होते हैं जो जनता की भलाई के लिए हर समय तत्पर तैयार रहते हैं और उनकी सुविधाओं के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। ऐसे ही एक जनप्रतिनिधि हैं पवन जैन पीएस। जी हां, पवन जैन पीएस शिवपुरी के भारतीय जनता पार्टी से जिला उपाध्यक्ष हैं और साथ ही कोलारस से मंडल प्रभारी भी हैं। आपको बता दें, ये ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो हमेशा जनता की मदद करने के लिए आगे आते हैं। इन्होंने समाज के प्रति कई अहम कदम भी उठाए हैं, जिसमें प्रतिवर्ष निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन भी शामिल है। आपको बता दें कि हमेशा ही इनके द्वारा जनहित में कार्य किए जाते थे और आज भी वे जनहित में ही कार्य करने के लिए अपनी पहली प्राथमिकता रखते हैं। कोरोना महामारी में मरीजों के लिए सर्व सुविधा युक्त 100 बिस्तरों वाला अस्पताल निशुल्क संचालन करना, साथ ही हर सप्ताह उस अस्पताल में वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन करना भी इनकी प्राथमिकता ही थी। इनके द्वारा पानी की कमी से जूझ रहे क्षेत्र में जल वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें क्षेत्रवासियों को काफी ज्यादा लाभ भी हुआ और इन्हीं के कारण ही क्षेत्र में पानी की कमी दूर हो पाई। कोरोना काल में संपूर्ण शिवपुरी जिले में निशुल्क भोजन एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं का वितरण भी इन्हीं के द्वारा ही किया गया। साथ ही GST, आयकर, औद्योगिक विभाग और बैंकों द्वारा छोटे व्यापारियों के लिए इन्हीं के ही द्वारा ऋण सेमिनारों का आयोजन किया गया, जिससे उन्हें व्यापार करने में काफी ज्यादा मदद भी मिली है। राजनीतिक सक्रियता की बात करें तो हमेशा से ही ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शिवपुरी से अपना कर्तव्य निभाते आए हैं और जनता के प्रति, साथ ही पार्टी के प्रति ये हमेशा कर्मठ रहे हैं। पार्टी का कोई भी कार्यक्रम हो, ये सदैव उसमें तत्पर खड़े नजर आए हैं और संपूर्ण तरीके से इन्होंने कार्यक्रम को सफल भी करवाया है। इसी के चलते ही आज इनकी छवि काफी साफ सुथरी, वरिष्ठ और एक सक्रिय राजनेता के रूप में उभर कर सामने आती है। क्षेत्र की जनता का साथ भी इन्हें भरपूर मिलता हुआ नजर आता है। भाजपा और महाराज, अगर आपको मौका देते हैं शिवपुरी से भाजपा का प्रतिनिधित्व करने का, तो आपको, आप किस तरीके से शिवपुरी की एक गुड बुक में और शिवपुरी को एक अच्छी फीलिंग महसूस कराएंगे? मैं लगातार सामाजिक कार्यों में, आप और शिवपुरी का नाता तो चोली दामन का नाता है, कई कार्य मैंने किए हैं, भी जनता चुनके जनप्रतिनिधि बनाती है, उसका जीवन को वो सुगम बनाए, सरल बनाए, सहज बनाए, जिससे कि वह अपना कार्य, जनता आराम से अपना जीवन यापन कर सके। पवन जैन एक वो नाम है, अगर बात किया जाए पृष्ठभूमि की, आधिकारिक पढ़ी लिखी पृष्ठभूमि है। अगर बात की जाए बिजनेस की, तो बिजनेस में एक नया, अपना एक अलग ही आयाम स्थापित करने वाले पवन जैन है। अब आज हम आपकी मुलाकात उस शख्सियत से करवाएंगे कि आखिर जनता उस नाम पर क्यों इतना जोर दे रही है। तो आइए मिलते हैं पवन जैन पीएस से। नमस्कार सर। नमस्कार। मुझे थोड़ा सा, मैं आपसे शिवपुरी की राजनीतिक इतिहास की बात करूंगा, क्योंकि आप और शिवपुरी का नाता तो चोली दामन का नाता है, क्योंकि आपका जन्म शिवपुरी में हुआ, आपका बिजनेस शिवपुरी में हुआ और आपने एक शिवपुरी के लिए एक नया आयाम, जब आपने होटल खोला था शिवपुरी में, होटल इंडस्ट्री में आपने एक नया आयाम स्थापित कर दिया।
और लगातार आपके कई कार्यों को लेकर हम लोग सुनते रहते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि शिवपुरी की राजनीति में कहीं ना कहीं आपका नाम उभर के जनता की तरफ से आ रहा है, ऐसा क्या मामला है? एक्चुअली जहां तक राजनीति का सवाल है, मैं सामाजिक संस्थाओं से और व्यापारिक संस्थाओं से लगातार जुड़ा रहा हूं और मैं लगातार सामाजिक कार्यों में कई कार्य मैंने किए हैं, जैसे चिकित्सा शिविर लगाना, काउंसलिंग करना, बच्चों को आगे एजुकेशन के लिए भेजने के लिए हेल्प करना, साथ ही साथ में कोई भी किसी भी प्रकार की आपदा में जो भी मैं कर सकता हूँ उस चीज़ के लिए मैंने हमेशा कोशिश की है कि जनता का जो जीवन है वो कैसे सुगम हो सके उस समय, क्योंकि उस समय जब विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो आदमी थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान हो जाता है। उस समय जब हमारी छोटी सी भी हेल्प उस तक पहुंचती है तो उसको काफी अच्छा महसूस होता है और वह यह सोचता है कि नहीं, यह यहाँ पे मेरे लिए मानवतावादी लोग यहाँ पे आज भी जिंदा हैं। मेरा हमेशा इसे मानना रहा है कि जो भी जनप्रतिनिधि बने उसको जो भी जनता चुन के जनप्रतिनिधि बनाती है उसका जीवन को वह सुगम बनाए, सरल बनाए, सहज बनाए, जिससे कि वह अपना कार्य जनता आराम से अपना जीवन यापन कर सके, ये मेरा एक उद्देश्य रहता है और इसी उद्देश्य की मैं राजनीति से जुड़कर भी करना चाहता हूँ और साथ साथ में मैं वैसे भी अपने व्यवहारिक जीवन के अंदर भी इस चीज को एडॉप्ट करता रहता हूँ। लगातार अगर व्यापारिक दृष्टि से बात की जाए तो जमीन से लेकर आपने अपने बिजनेस को बुलंदियों के आसमान तक पहुंचाया है और उसमें भी आपने काफी मेहनत की और आज एक शिखर पे आपने एक अच्छा शिखर अपने लिए बनाया है, एक अच्छी लंबी लकीर खींची है बिजनेस लाइन की और गुड फेथ लकीर खींची है। तो मैं ये जानना चाहूंगा बिजनेस लाइन से लेकर बिजनेस पर्सन से अगर मैं बात करूँ शिवपुरी की बिजनेस लॉबी की, शिवपुरी की पब्लिक लॉबी की, दोनों ही लॉबी से भी आपका नाम निकलकर सामने आ रहा है, बिजनेस में भी आपने एक नया आयाम स्थापित किया है, क्या आप कहना है किस तरीके से इसमें संघर्ष किया? एक्चुअली जीवन के अंदर सबसे पहले जो मैंने जो सीखा वो सीखा यह है कि अपना जो भी कार्य आप करने जा रहे हो, जो भी काम हो, किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, उस कार्य को पहले आप भली भांति समझ लें, विचार कर लें, आप उस काम को किस तरीके से करेंगे, उस काम की पूरी जानकारी इकट्ठी कर लें, उसके बाद में अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें, लक्ष्य निर्धारित करने के बाद में बिल्कुल धैर्यपूर्वक अपने कार्य को करते रहें और करने के साथ साथ में उसको एक्सपीडाइटिंग भी करें, फॉलोअप भी करें, साथ साथ में कहीं पे भी आप कोई मिस्टेक होती है या गलती होती है तो उसको वापस से रिवाइज करके उस पूरे प्रोग्राम को वापस से चॉकआउट करके आगे बढ़ें और हमेशा लक्ष्य की तरफ गोल फिक्स करके आगे बढ़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से किसी भी कार्य में आपको सफलता मिलेगी। मैंने अपने पूरे जीवन के अंदर इसी तरीके से अपने सारे गोल सेट करते हुए अपने कार्यों को किया है और अपने लक्ष्यों को जो भी मैंने निर्धारित किया है उसको अचीव जरूर किया है, किसी भी कार्य को बीच में नहीं छोड़ा है। जब भी यदि मैंने सोचा है कि तो उसमें चाहे कितना भी समय लगाओ पर मैं उस चीज से हटा नहीं हूं, अपने आप को पूरी तरीके से उसमें समर्पित करके उस कार्य को पूरा किया। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की भाजपा की बात करें, भाजपा और महाराज के मजबूत सिपाहियों में आपकी गिनती होती है, महाराज की भी एक बड़ी क्योंकि ग्वालियर चंबल में आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ, ग्वालियर चंबल में महाराज और शिवपुरी तो बिल्कुल महाराज के दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग ही चलती है। तो भाजपा और महाराज अगर आपको मौका देते हैं शिवपुरी का, शिवपुरी से भाजपा का प्रतिनिधित्व करने का, तो आपको आप किस तरीके से शिवपुरी की एक गुड बुक में और शिवपुरी को एक अच्छी फीलिंग महसूस कराएंगे और किस तरीके से आपका आपकी स्ट्रेटजी क्या, वर्किंग स्ट्रेटजी क्या रहेगी? निश्चित रूप से यदि भारतीय जनता पार्टी और महाराज साहब मेरे पे भरोसा करते हैं और यदि मैं इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का मुझे मौका मिलता है तो मैं बिल्कुल जैसा कि मैंने अभी आल आपको बताया है कि मैं किसी भी तरीके से जो भी हमारे क्षेत्रवासी हैं उनकी जीवन को किस तरीके से सहज, सुगम, सरल बनाया जा सकता है, जो भी योजनाएं जो कि मैं अभी तक देख रहा हूं या जो मैं महसूस कर रहा हूं, निश्चित रूप से हमारे मोदी साहब का विजन बहुत बड़ा विजन है और वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो इस तरीके की योजनाएं ला रहे हैं जिससे कि अमूमन आदमी की जिंदगी सुगम हो सके, सरल हो सके और
होता यह है कि वो जो योजनाएं आती हैं तो जो इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं हो पाने के कारण कई लोग उस योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है और जिससे कि वो उनका लाभ समुचित रूप से नहीं ले पाते हैं। हम ये चाहते हैं कि मोदी साहब जो भी योजनाएं बना रहे हैं उनका लाभ पूरी तरीके से मिले, जो भी जनता की समस्याएं आए, जो भी जनता की परेशानियां आए, उनको हम सब लोग मिलजुल कर उसको किसी भी तरीके से ग्रुप्स बनाकर किसी भी तरीके से उन सब चीजों को समझकर हल करें, आगे बढ़ें। मैं ये वादा करता हूं कि मैं हर मंडल के अंदर, जब 4 मंडल भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं, हर मंडल में हर महीने जाया करूंगा। जाने के बाद में उस मंडल से संबंधित जो भी व्यक्ति होंगे, उनकी जो भी समस्याएं होंगी, उनको मैं बिल्कुल कैटेगराइज करूंगा। जो पुलिस विभाग से संबंधित होगी, जो राजस्व विभाग से संबंधित होगी, या जो पारिवारिक मामले होंगे उनके, या जो भी विभागों से संबंधित होंगी, उन सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकर उन समस्याओं को वहीं हल करने की पूरी पुरजोर कोशिश करूंगा, जिससे कि वो चीजें प्रोपोगेट ना हो, आगे डिस्टर्बेंस ना हो। और जो भी बड़ी योजनाएं होंगी सरकार के साथ बैठकर, सरकार के साथ की योजनाओं को उसके अंदर इन्वॉल्व करते हुए बड़ी योजनाएं बनाएंगे, और उनको भले से हम छोटे छोटे खंडों में करते हुए और बिल्कुल एक लक्ष्य बनाते हुए उनको पूरी करेंगे। तो ये थे हमारे साथ पवन जैन जी, जिन्होंने लगातार लंबे समय से समाज सेवा एवं मानवता का कार्य करते हुए नजर आ रहे हैं। शिवपुरी विधानसभा से इनका नाम प्रबल दावेदारों में जनता की तरफ से उभर कर सामने आ रहा है। मैं अजय राज सक्सेना, शिवपुरी।